खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब। और इब्राम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। और इब्राम के पास छुपाए और सोना चांदी बाकसरत, और वो कनान के जनूब से सफर करता हुआ बैतल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतल और ए के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगा बनाई थी, और वहां इब्राम ने खुदावंद से दुआ की। और लूत के पास भी, जो इब्राम का हम सफर था, भेड़ बकरियां गाय बैल और डेरे थे, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और इब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी और फिरजी उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब इब्राम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दहने जाऊंगा, और अगर तू दहने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर, जो सुगर की तरफ है, नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे बेशतर के खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिंद खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, और वो मशरिक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। इब्राम तो मुल्के कनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सकूनत इख्तियार की, और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नज़र में नहायत बदकार और गुनहगार थे। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राम से कहा कि अपनी आंख उठा, और जिस जगह तू है वहां से शिमाल और जुनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है, मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानिंद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और उस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और इब्राम ने अपना डेरा उठाया, और मम्रे के बलूतों में, जो हबरून में है, जाकर रहने लगा, और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई। आमीन।